अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फारूक हसन एंड यू वॉचिंग सईद वर्सेस पाकिस्तान। आज हम आपको एक बेहतरीन घर दिखाने जा रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली टू कनाल मैंशन और इसकी लोकेशन जो है वो DHFA 6 है। प्राइस इसकी 37 करोड़ रुपए है। फुली फर्निश्ड हाउस है, 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, स्विमिंग पूल है, सिनेमा है और सबसे बेस्ट हाउस इस टाइम करंटली मार्केट के अंदर है। सो आइए हम आपको इस घर का आज टूर देते हैं। तो ये जो है हमारा मेन एक एंट्रेंस एरिया है, 100x90 आप देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशंस हैं और टोटल 6 गाड़ियां आप इजीली जो है यहाँ पे कार पार्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे पैटर्न्स की टाइल यहाँ पे लगाई गई हैं, लैंडस्केपिंग जोन दिया गया है, बिल्कुल एंड पे हमें एक जो है सिटिंग डेक दिया गया है जहाँ पर आप शाम को बैठ सकते हैं, मौसम इंजॉय कर सकते हैं। बहुत हाई एंड इसका एलिवेशन है, मेडिटेरियन पैटर्न्स के ऊपर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे इंपोर्टेड प्लांटर्स रखे गए हैं, बॉन्साई प्लांटर्स भी हैं और काफ़ी जो है प्लांट्स इंपोर्ट करके यहाँ पे लगाए गए हैं। बैक साइड पे जो है हमें बेसमेंट के अंदर जो है वो 7 क्वार्टर एरिया मिलता है जिसमें एक किचन भी है, एक स्टोर भी है। टोटल इस घर का जो अगर हम बात करें कि इसका जो कवर्ड एरिया है वो 12,000 स्क्वायर फीट है।
जी, तो ये हमारे घर का जो है वो मेन एक रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे आप अपने गेस्ट को रिसीव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है आर्च यहाँ पे ड्रॉ की गई है। सीलिंग्स पे आप देख सकते हैं कि आर्टवर्क किया गया है। लेफ्ट साइड में हमें एक फीचर वॉल मिलती है जहाँ पे कैलीग्राफी की गई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती से इस्लामिक आर्ट का काम किया गया है। अगर हम फ्लोरिंग्स की बात करें तो फ्लोरिंग्स पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्बल पे इनले पैटर्न्स किए गए हैं जिनकी खूबसूरती जो है वो कितनी ज़्यादा डिफाइंड है। तो लॉबी में जो है हमारी डबल डोर एंट्री है, और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ह्यूज एंट्री है। और इसी तरह आप ये इसका मेन रिसेप्शन एरिया देखें जो लॉबी एरिया है, और यहाँ पे मार्बल पे जो है इनले पैटर्न्स किए गए हैं, कॉन्सोल टेबल दिया गया है, बिल्कुल सामने हमें स्विमिंग पूल का व्यू है, आर्किटेक्चर स्टेयरकेस मिलती है, फ्रेंच शैंडलियर जो है एंटीक वो ड्रॉप किया गया है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है हमें टोटल दो मेन बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलती है, लिविंग एरिया है, दो मेन किचन्स हैं इटालियन, और एक स्विमिंग पूल है। तो ये जो है हमारा, आप देख सकते हैं कि हमारा गेस्ट रूम एरिया जिसको हम ड्राइंग रूम एरिया भी कहते हैं, और यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग्स की गई हैं, सॉलिड वुडन फ्लोरिंग्स हैं, और जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और क्वालिटी बहुत डिफाइंड है। राइट साइड में हमें आर्किटेक्चर एक क्लासिकल फायरप्लेस मिलती है जिसमें मॉडर्न एलिमेंट भी दिया गया है। आप देख सकते हैं कि एक फायरप्लेस जो है आपके सामने ऑन है, और वॉल पैनलिंग्स की गई हैं, अमेरिकन वॉल पेपर्स रखे गए हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड पर जो है आप देख सकते हैं कि सारी वॉल्स को, पूरे ड्राइंग रूम की वॉल्स को ट्रीट किया गया है। फेसिंग जो है ये लैंडस्केपिंग एरिया है, आपके जो लॉन का व्यू है वो आपको ड्राइंग रूम से मिलता है। टोटल यहाँ पे 10 से 15 लोग इजीली बैठ सकते हैं। प्रॉपर ग्री का आपको एसी का यूनिट यहाँ पे दिया गया है। लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं जो कि क्लासिकल पैटर्न में है। फ्रेंच शैंडलियर जो है ड्रॉप किया गया है। ग्राउंड लेवल के ऊपर ये हमारा जो है मेन जो है कैजुअल लिविंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर जो है कितना कोजी दिया गया है, कलर्स कितनी खूबसूरती से जो है वो ब्लेंड किए गए हैं, और लाइट कलर्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। फर्नीचर का कलर जो है वो आप देख सकते हैं कि फर्नीचर का और वार्डरोब्स का कलर जो है वो आपस में मैच किया गया है, डार्क पैटर्न्स के ऊपर है, बहुत फाइन फैब्रिक है सारे फर्नीचर का। और बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो लैंडस्केपिंग व्यू में हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे इजीली जो है 25-30% यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। राइट साइड पे पूरी एक मीडिया वॉल आप देख सकते हैं, इसको ट्रीट किया गया है, इसको वॉलनट में बनाया गया है। इसी तरह यहाँ पे सारे कैमराज जो हैं पूरे घर के अंदर वो इक्विप्ड किए गए हैं, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है। गेट का भी जो आपका मेन गेट है वहाँ पे अलार्म्स लगाए गए हैं जो कि आप अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक और आपका जो है इस एरिए का जो है एक मेन फीचर एलिमेंट है जो कि आपकी आर्किटेक्चरल फायरप्लेस है। ब्रास का इसमें इस्तेमाल किया गया है, मोल्डिंग्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें काम जो है, कार्विंग्स है वो कितने ज़्यादा डिफाइंड है। वो अगर हम पेंट की बात करें तो इटालियन पेंट इस पे इम्पोज किया गया है, जो जिसको अगर आप आके विजिट करेंगे तो आपको इसके पैटर्न्स बहुत खूबसूरती से जो है वो डिफाइंड नज़र आएंगे। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है हमारे हमें दो मेन बेडरूम्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत मास्टर स्वीट है, और राइट साइड पर जो है हमें एक पूरा जो है आप देख सकते हैं कॉन्सोल दिया गया है। पूरी वॉल्स को यहाँ पर वॉल पैनलिंग की गई है, इसमें अमेरिकन वॉल पेपर्स इम्पोज किया गया है, इटालियन फैब्रिक के जो है कर्टन्स लगाए गए हैं। राइट साइड पर जो है हमारी बेड वॉल है, और आप देख सकते हैं कि इसमें भी अमेरिकन वॉलपेपर जिसका जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा रॉ है, बहुत ज़्यादा इम्पोज्ड है। सो अगर हम फ्लोरिंग्स की बात करें तो यहाँ पे 12 mm की फ्लोरिंग्स इस्तेमाल की गई हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। राइट साइड पे हमारा मेन बेड है। आप देख सकते हैं कि जो मेन आपका जो शैंडलियर का एरिया है उसमें जो सीलिंग्स हैं उसकी कार्विंग्स कितनी ज़्यादा डिफाइंड हैं। और इस घर की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके डोर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप इनके पैटर्न्स को देखें, इनके साइज़ को देखें, ये नॉर्मली बहुत कम घरों में आपको इस तरह के डोर्स नज़र आएंगे। टोटली में जो है अमेरिकन एशवुड के जो है डोर्स कस्टम बनाए गए हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इटालियन सारी वार्डरोब्स दी गई हैं। राइट और लेफ्ट साइड पे सारा हमारी क्लोजेट रेंज है। इसकी बैक साइड पे जो है हमें फ्लोटिंग वैनिटी मिलती है और जो कि बहुत खूबसूरत है, इटालियन टाइल्स इसमें लगाई गई हैं। और इसी तरह आप आगे आए तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसका जो वॉशरूम का साइज है वो किसी भी कमरे से कम नहीं है। नॉर्मली इसका फुल फ्लेज इसका वॉशरूम साइज है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जकूजी दी गई है। पैटर्न जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुजाक कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। लेफ्ट साइड पे आपको एक इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया दिया गया है जिसमें रेन हेड शॉवर मिलता है। ग्रोए की सारी फिटिंग्स इस्तेमाल की गई हैं। वॉशरूम के अंदर भी आपको शैंडलियर मिलता है। आप देख सकते हैं कि ब्रास का शैंडलियर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है ये हमारा दूसरा मास्टर स्वीट है,
और ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत ह्यूज साइज़ का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना खूबसूरत जो है वो रग रखा गया है। सामने आपको सिटिंग स्पेस मिलती है, राइट लेफ्ट साइड पे जो है आप अपनी मीडिया वॉल को ट्रीट कर सकते हैं, वॉल पैनलिंग सीखेंगे। राइट साइड पे अगर हम आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं कि आपको स्विमिंग पूल का यहाँ से व्यू मिलता है, और अगर आप यहाँ पे हैं तो आपके बच्चे जो है यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। इस पूरे घर के अंदर जितनी भी विंडोज दी गई हैं सारी UPVC की हैं, और सारी जो है डबल ग्लेज विंडो है, जॉर्जियन बार्स हैं जो कि हीट कंट्रोल में है। इसी तरह ये जो है हमारा मेन मास्टर वॉशरूम है, ये वॉशरूम भी किसी भी वॉशरूम से कम नहीं है। और इसी तरह अगर हम राइट साइड पे आपको दिखाएं तो ये हमारा बिल्कुल साथ ही जकूजी एरिया है। टाइल्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, रॉ पैटर्न के ऊपर हैं, और आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग्स की तरह की पैटर्न्स की टाइल इसमें दी गई हैं। ग्रोहे की फिटिंग्स इसमें इंस्टॉल की गई हैं जो कि इटालियन ब्रांड है। शॉवर हेड भी आपको दिया गया है। लेफ्ट साइड पर वॉल माउंटेड का मोट है। वेंटिलेशन के लिए जो है यहाँ पे विंडो दी गई है जिसकी लाइट भी आप देख सकते हैं नेचुरल लाइट कितनी खूबसूरती से अंदर आ रही है। कलर्स कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं आप देख सकते हैं कि वाइट और लाइट ब्राउन कलर को ब्लेंड किया गया है। हमें फ्लोटिंग वैनिटी मिलती है, इसमें भी ग्रोहे की फिटिंग्स हैं, सारी चीज़ें जो है फुल इक्विप्ड हैं। शैंडलियर भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। लेफ्ट साइड पर बहुत खूबसूरत जो है आप देख सकते हैं कि आपको वार्डरोब एरिया दिया गया है जो आपकी सारी क्लोज़ेट रेंज है, और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर सारे ऑटोमेटिक सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं जो कि आप जिसमें देख सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो हमारा स्विमिंग का एरिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, ये आपका जितना भी घर का सिक्योरिटी का एलिमेंट है वो यहाँ पे सारा इंस्टॉल किया गया है। कैमराज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, गेट की एक्सेस राइट साइड से कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फेंस के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी आपके घर के या डोर्स के अलार्म्स हैं वो यहाँ पे सारा एक्सेसिबल है जी। तो अब हम आपको लेके जा रहे हैं हमारा एक मेन फीचर एलिमेंट है इस घर का जो कि हमारा स्विमिंग पूल एरिया है, जो कि एंटरटेनमेंट एरिया है, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में आपको पता कि यहाँ पे ज्यादातर गर्मियां रहती हैं तो स्विमिंग पूल होना हर घर में बहुत जरूरी है। सो आप देख सकते हैं कि इसका जितना भी सारा प्लांट है स्विमिंग का वो इसके नीचे रखा गया है, और इसके साथ ही आपको बड़े अच्छे स्मार्ट साइज का स्विमिंग पूल एरिया डिजाइन करके दिया है। साथ ही आप जो है वहां पे आपको प्राइवेसी भी दी गई है फेंस के साथ, आप देख सकते हैं कि वहां पे पैटर्न्स ऊपर रखे गए हैं। सो यहाँ पे आपको कर्टन्स भी मिलते हैं, सो अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप ये कर्टन्स भी आगे कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक सोना बाथ का एरिया दिया गया है जहाँ पे आप बैठ के इजीली सोना बाथ ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी जितनी भी एक्सेसरीज रखी गई हैं वो सारी इटालियन है। यहाँ पे सारा मेन एक्सेस आपको टेम्परेचर का दिया गया है, और यहाँ पे आप इजीली बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अब हम ग्राउंड लेवल पे हम आपको घर का दूसरा पार्ट दिखाने जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि एक कॉरिडोर एरिया दिया गया है। राइट साइड पे हमें पाउडर रूम एरिया मिलता है जो कि बहुत अच्छे स्मार्ट साइज का है, और इटालियन टाइल इसमें लगाई गई हैं जिसको आपके गेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है हमें डबल डोर एंट्री मिलती है जिसको आपके गेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैजुअली डाइनिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके साथ ही कनेक्टिविटी है। वुडन फ्लोरिंग्स दी गई हैं, बहुत अच्छा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इटालियन जो है वो डाइनिंग टेबल दिया गया है। इसी तरह इसमें 10 लोगों की कैपेसिटी है। वॉल पैनलिंग, सीलिंग्स, आपका शैंडलियर, आपके फैंस, आपके कर्टन्स, हर चीज़ की कनेक्टिविटी जो है वो आपको नज़र आती है। इस तरह अगर हम फर्नीचर की बात करें तो बहुत हाई एंड फर्नीचर है, और आप देख सकते हैं कि इसकी कार्विंग्स जो हैं वो कितनी खूबसूरत हैं। गोल्ड लीफिंग इसके पैटर्न्स पे की गई है, और इसी तरह जो है बिल्कुल सामने जो है हमें विंडो का व्यू मिलता है जो कि आपका गैरेज एरिया है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो मेन हमारा इटालियन किचन है, और ये हमारा मेन शोकेस किचन है जिसको वॉलनट के में की वुड में जो है बनाया गया है। कस्टम मेड किचन है, और इसमें सारी एसेसरीज जो है वो इंस्टॉल की गई हैं, और स्टोरेज एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। आप किचन आइलैंड देख सकते हैं कि इसमें जो कोरियन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरह इसमें जितनी भी मेन अप्लाइंसेज हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। इसमें मेजॉरिटी जितनी भी अप्लाइंसेज हैं वो फ्रैंकी की हैं। हायर का डबल डोर फ्रिज इसमें आपको मिलता है। लेफ्ट साइड पर आपको जो है यहाँ पर इन्वर्टर भी इंस्टॉल किया गया है। डबल ग्लेज विंडोज हैं। इसके साथ ही जो है यहाँ पे आपको और स्टोरेज एरिया मिलता है। आप देख सकते हैं कि इसकी वॉलनट की जो क्वालिटी है वो बहुत खूबसूरत है। इसके ग्रेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड हैं, और इसके साथ ही हमें एक और एरिया को एक्सेस हम कर रहे हैं जो कि मेन हमारा शेफ के किचन है, और जहाँ पे जिसको हम डर्टी किचन भी कहते हैं, यहाँ पे आपकी मेन कुकिंग हो सकती है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज एरिया है। सर्वेंट जो है वो आपके इस डोर को एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसमें यहाँ पे वॉशिंग की जो फैसिलिटी भी दी गई है, कोरियन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इस तरह अगर हम इसकी टाइल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके ब्लॉक्स कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ पर भी मेन कमर्शियल किचन रखा गया है, जिसको जो कि नाजुक नहीं है, जिसको आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। यूवी पैटर्न की शीट्स भी आपको नज़र आती हैं, क्रैनल पैटर्न्स की शीट भी नजर आती हैं। सीलिंग्स जो है वो बहुत स्ट्रेट पैटर्न पे रखी गई हैं, जो कि बहुत अच्छा किया गया है।
तो फर्स्ट लेवल के ऊपर जो है हमें तीन मेन बेडरूम्स की अकोमोडेशन दी गई है, एक इंडोर पैटियो दिया गया है, फ्रंट पे बहुत ह्यूज टेरेस हमें मिलता है, लाउंज एरिया है, होम सिनेमा है जो कि हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसका लाउंज एरिया, लेकिन उससे पहले अगर हम इस वॉल की बात करें ना करें तो वो नाइंसाफ़ी होगी। आप देख सकते हैं कि इसकी जो रिसेप्शन एरिया है वो बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे ग्लास इंस्टॉल किए गए हैं, बहुत आर्टिस्टिक वॉल जो है ट्रीट की गई है, इटालियन पेंट इस पर किया गया है। और लेफ्ट साइड पे जो है हम लाउंज की तरफ मूव कर रहे हैं, डबल डोर एंट्री है, अमेरिकन एशवुड के जो है डोर्स इसमें लगाए गए हैं, फ्लोरिंग्स आप देख सकते हैं बहुत ह्यूज साइज़ की जो है फ्लोरिंग्स रखी गई हैं और जो है इटालियन फ्लोरिंग्स हैं। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो पूरी वॉल्स को ट्रीट किया गया है जिसमें इटालियन पेंट किया गया है। एक आपको आर्किटेक्चर जो है फायरप्लेस भी दी गई है जिसको आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने चल रही है। इसके साथ ये हमारी बिल्कुल सारी सिटिंग स्पेस है, बहुत कोजी कलर्स में जो है इसका इंटीरियर किया गया है, ग्रीन और ग्रे कलर को ब्लेंड किया गया है और आप देख सकते हैं कि बहुत मिनिमलिस्टिक पैटर्न पे इसका सारा इंटीरियर है। राइट साइड पर हमें एक मेन शेल्फ किचन दिया गया है जिसमें एक बार टॉप भी दिया गया है जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मेन जितनी भी किचन की एसेसरीज हैं वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं, फ्रैंकी की जितनी भी अप्लाइंसेज हैं वो इसमें लगाई गई हैं और इसके पैटर्न आप देख सकते हैं कि एक्रेलिक के कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं और सारी मेन जो बेकिंग की जो आप हैं बेकिंग हैं या बर्नर्स हैं वो सारे यहाँ पे रखे गए हैं। तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जितने भी स्विचेस इस्तेमाल किए गए हैं इलेक्ट्रिकल वो सारे क्लिप्सल के हैं जो कि एक जर्मन ब्रांड है और जिसकी वारंटी जो है एक लाइफ टाइम है। सो ये हमारा जो है मेन टेरेस एरिया है जो कि बहुत ह्यूज साइज़ का टेरेस एरिया है, कनेक्टिविटी पूरे घर के साथ है, आप किसी भी रूम या किसी भी लाउंज एरिया के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं या यहाँ बैठ के आप मौसम भी इंजॉय कर सकते हैं। इनडोर ये आप एरिया है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वुडन सीलिंग्स की गई हैं और इसके साथ ही जो है पूरे काफ़ी लंबी स्पेस है यहाँ पे डिजाइन। तो ग्राउंड लेवल के बाद फर्स्ट लेवल पे ये हमारा तीसरा बेडरूम है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत ये माशाल्लाह ये बेडरूम है। और राइट साइड पे हमें इंडोर पैटियो मिलता है, यहाँ से लाइट की डे लाइट की बहुत खूबसूरत एक्सेस है, प्राइवेट आपको पूरा जो है पैटियो मिलता है, वुडन फ्लोरिंग्स की गई हैं, आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे पैटर्न पे यहाँ पे टाइल लगाई गई है। और इसी तरह अगर हम इसकी पैनलिंग्स की बात करें तो यहाँ पे वुडन पैनलिंग्स की गई हैं, अमेरिकन वॉलपेपर लगाया गया है, इटालियन फैब्रिक्स जो है वो रखे गए हैं। राइट साइड पे हमारी मेन जो है वो बेड वॉल है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत पैटर्न से जो है लाइट लिट करी है और आपका कमरा जो है वो बहुत खूबसूरत है, गोल्ड और लाइट कलर को ब्लेंड किया गया है। अगर हम इसकी वॉल लाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत एंटीक पैटर्न की वॉल लाइट हैं जो कि कस्टम मेड है। सो इसके अगर हम आपको मास्टर वॉशरूम की तरफ लेके चलें तो ये इसका जो है वो मेन मास्टर वॉशरूम है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डार्क कलर की फ्लोरिंग्स हैं, राइट साइड पे हमें लाइट कलर की टाइलिंग्स मिलती हैं और जितना भी प्रोस्लिन का काम हुआ है सारी इटालियन है, ग्रोहे की फिटिंग्स हैं, रेन हेड शॉवर इंडिपेंडेंट आपको दिया गया है, लेफ्ट साइड पर फ्लोटिंग वैनिटी है, बैक साइड पर जो है आप देख सकते हैं कि आपको डे लाइट की एंट्री भी मिलती है और इसके साथ ही जो है आपको स्टोरेज एरिया भी यहाँ पर दिया गया है जिसमें जो है यूवी पैटर्न की शीट इस्तेमाल की गई हैं और बहुत सॉलिड पैटर्न पर जो है इसका काम किया गया है और जो कि किसी भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। सो अगर हम हैंडल्स की भी अगर इसकी बात करें, अगर छोटी छोटी डिटेल्स की भी बात करें तो वो भी जो है वो इटालियन है जिसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत खूबसूरत है। तो फर्स्ट लेवल के ऊपर जो है ये हमारा चौथा मास्टर सुइट है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो है डबल हाइट सीलिंग्स हैं, फेसिंग जो है बालकनी है, फ्रंट एलिवेशन है और बेड वॉल बहुत खूबसूरत है, एंटीक बेड्स रखे गए हैं, वॉल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिफाइंड है, अमेरिकन वॉलपेपर्स रखे गए हैं, इसी तरह आप देख सकते हैं कि ब्रास की वॉल लाइट्स वॉल माउंटेड की गई हैं, ग्री का जो है इसमें एसी रखा गया है, इसी तरह आप देख सकते हैं कि इंटीरियर्स कितना ज़्यादा खूबसूरत है, गोल्ड और वाइट और बेज और डार्क कलर्स को ब्लेंड किया गया है। लेफ्ट साइड पे भी आप देख सकते हैं कि कार्विंग्स कितनी ज़्यादा फर्नीचर की खूबसूरती से आपको नजर आ रही हैं, हैंडमेड कार्पेट्स रखे गए हैं। इसके साथ ही हम आपको इसका जो है मास्टर वॉशरूम दिखाने जा रहे हैं, मास्टर वॉशरूम के साथ ही अगर हम आपको इसके वॉलपेपर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके पैटर्न जो है वो कितने ज़्यादा डिफाइंड है। नॉर्मली जो है इस तरह के वॉलपेपर्स जो है बहुत कम आपको मार्केट में मिलेंगे, ये एक इसका मास्टर वॉशरूम है जो कि बहुत ह्यूज साइज का मास्टर वॉशरूम है और जो कि किसी भी मास्टर वॉशरूम से कम नहीं है। लेफ्ट साइड पर अगर आप इसका इसकी पूरी इस वॉल को देखें तो पूरी वॉल को जो है वो सीलिंग तक जो है वो ट्रीट किया गया है, इटालियन टाइल्स में लगाई गई हैं। राइट साइड पर हमें क्लोजेट रेंज मिलती है और फ्लोटिंग वैरायटी जो है यहाँ पर टर्किश ब्रांड की रखी गई है, राइट साइड पर हमें जो है इटालियन जकूजी दी गई है, बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया मिलता है। सो अगर हम टाइल्स की बात करें तो आप टाइल्स के पैटर्न देख सकते हैं कि कलर्स कितनी खूबसूरती से जो है वो ब्लेंड कर रहे हैं, हर चीज़ में आपको एक कनेक्टिविटी नज़र आती है। We'll be right back.
तो फर्स्ट लेवल के ऊपर ये हमारा मेन कॉरिडोर है। आप देख सकते हैं कि इसकी मार्बल जो है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, पैटर्न्स राइट और लेफ्ट साइड पे इनले किए गए हैं। लेफ्ट साइड पे आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हमारा इंडो पैटियो है जो ओपन टू स्काई है, जिसको इंडोर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट पे हमें एक ह्यूज साइज का जो है वो टेरेस मिलता है। सो लाइट आप देख सकते हैं इस घर के अंदर कितनी खूबसूरती से जो है वो एंट्री नज़र आती है। सो लेफ्ट साइड पर आपको एक फ्रेमिंग एरिया मिलता है, और इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि जितने भी फायर के मेजर इक्विपमेंट हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। हैंडमेड एक फीचर आप देख सकते हैं कि कारपेट जो है यहाँ पे लगाया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। इसी तरह जो है मैं आपको होम सिनेमा इसका दिखाना जा रहा हूँ, और ये इसका जो है वो होम सिनेमा है। इसको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसको साउंड प्रूफ किया गया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंपोर्टेड जो है रिक्लाइनर्स इंपोर्ट करके यहाँ पे रखे गए हैं। सोनी का जो है सारा साउंड सिस्टम दिया गया है, और पैनासोनिक का जो है हमें सारी प्रोजेक्शन एरिया मिलता है। सो इसी तरह अगर हम वॉल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका वॉल कितना ज़्यादा ट्रीट किया गया है, वॉल क्विल्टिंग्स की गई हैं, और ये टोटली साउंड प्रूफ है। रिक्लाइनर्स के और ग्रे कलर को जो है और ब्लैक कलर को जो है वो ब्लेंड किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज साइज़ की जो है इसकी स्क्रीन है। सो आप यहाँ पे बैठ के इजीली मूवी देख सकते हैं, और बच्चों के साथ बैठ के यहाँ पे कार्टून्स देख सकते हैं। रिक्लाइनर्स रखे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं, और एक बहुत एक अच्छा एंटरटेनमेंट एरिया है। तो अब हम आपको इस घर का जो है वो लास्ट बेडरूम दिखाने जा रहे हैं, जो कि मेरा फेवरेट बेडरूम है और जो कि मास्टर सुइट है। बहुत ह्यूज साइज का बेडरूम है, और जिसको जो देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो ये जो है हमारा एक बहुत स्पेशल जो है मास्टर बेडरूम है, और आप देख सकते हैं कि इसकी सीलिंग्स जो हैं कितनी ज़्यादा डबल हाइटेड हैं, कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो ये देखें, वॉल क्विल्टिंग्स के साथ साथ जो है हमें वॉल पैनलिंग यहाँ पर की गई है, टाइलिंग पेंट किया गया है। इंटीरियर जो है वो बहुत खूबसूरत है, लाइट और डार्क कलर्स को ब्लेंड किया गया है, और हर चीज़ की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे फर्नीचर में, कर्टन्स में, डोर्स में, पैनलिंग में, हर चीज़ में आपको कनेक्टिविटी नज़र आती है। सो अगर आप इसका ये देखें, कस्टम मेड जो है इसके सोफ़ाज़ को डिज़ाइन किया गया है, और इस पर जो है आर्ट वर्क कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरह जो है बेड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप देख सकते हैं कि इसको वॉलनट में बनाया गया है। सो ये इसका जो है वो मास्टर सुइट है, जो कि हमें फर्स्ट लेवल पर मिलता है, फेसिंग फ्रंट एलिवेशन है। इसके साथ ही जो है ये हमारा जो है बहुत ह्यूज साइज का मास्टर वॉशरूम है, और आप देख सकते हैं इसको लाइट कलर में ट्रीट किया गया है, लाइट और ग्रे कलर को ब्लेंड किया गया है। लेफ्ट साइड पे पूरी क्लोजेट रेंज मिलती हैं, जिसको कस्टमली डिज़ाइन किया गया है, और जितनी भी आपको जितनी भी क्लोजेट रेंज मिलेंगी सारी इंपोर्टेड हैं। इसी तरह इसमें भी ग्रोहे की फिटिंग्स दी गई हैं, टर्किश और स्पैनिश टाइल इसमें लगाई गई हैं। राइट साइड पर इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया है, जकूजी भी दी गई है, नेचुरल लाइट का एलिमेंट भी दिया गया है। वॉल माउंटेड जो है कस्टम लाइट्स भी आपको मिलती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत हैं, और जो कि एक मिनिमलिस्टिक पैटर्न आपको नज़र आता है। जी तो उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। इस घर की अगर हम डिटेल्स एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, इस घर की जो अकोमोडेशन है वो टोटल 5 बेडरूम्स की है। फुली फर्निश्ड हाउस है, स्विमिंग पूल है, इन हाउस सिनेमा है, और जो है सबसे मेन एलिमेंट जो है बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन है, फेज 6 DHA लाहौर है। टोटल 12,000 स्क्वायर फीट इसका कंस्ट्रक्टेड लेवल है। बेसमेंट में सर्वर कॉटन्स दिए गए हैं, ग्राउंड लेवल है और फर्स्ट लेवल है। इस घर की जो डिमांड है वो 37 करोड़ है, प्राइस निगोशिएबल है, और मेडिटेरेनियन पैटर्न्स के ऊपर इस घर को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो अगर आप इस घर के इंटरेस्टेड हैं और आपको इस तरह की सर्विसेज चाहिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं और हमसे फॉलोअप ले सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।